हेलो गाइस, वेलकम टू थकतेल्स 360। तो बात करते हैं, रुको, बिगेस्ट मूवी रिव्यूअर के ऊपर बात करने से पहले आजकल तो टॉक्सिसिटी चल रही है उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। दो तीन वीडियो में बनाने वाला था इस टॉपिक के अराउंड, बट टू बी ऑनेस्ट मन नहीं गया, हर तरफ बस टॉक्सिक बातें। दो मूवीज रिलीज हुई जो कम्प्लीटली एक दूसरे से अलग थी, पर नहीं, उसको लेकर फैन वॉर्स अभी तक चल रहे हैं। SRK की भी टॉक्सिक फैंस है, बट प्रभास के जो टॉक्सिक फैंस है वो अलग ही लेवल पे है। आदि पुरुष जैसे वो भूल ही गए, 2023 में ही रिलीज हुई थी भाई। प्रभास इज बेटर देन SRK, डंकी नहीं डोंकी है, वन साइडेड विनर सलार, बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार फॉर ए रीजन। अब सब इलॉजिकल बातों का तो रेस्पॉन्स नहीं दे सकता, पर क्या सच में तुमको ऐसा लगता है कि प्रभास कैन एक्ट बेटर देन SRK? देन सॉरी, तुमको मूवीज का 0% नॉलेज है। छपरी तो मैं नहीं बोलूंगा डायरेक्ट, बट तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। थोड़ा देख के कंपेयर करो यार, सलार के कलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ मसाला एक्शन मूवी, डंकी एक नॉर्मल ड्रामा मूवी है। और ये बात मैं अब नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने पहले भी बताई हुई है, वीडियो उठा के देख लो कि सलार को ज्यादा एडवांटेज है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। फिर भी डंकी का हाल जीरो जैसा नहीं हुआ है भाई, डंकी डूइंग वेल। ऑडियंस पसंद कर रहे हैं जिन्हें अच्छे मूवीज का सेंस है, और ये जरूरी नहीं है कि डंकी अगर अच्छी लगी तो सलार बुरी लगेगी, सलार अगर अच्छी लगी तो डंकी को ट्रोल करो। मुझे दोनों मूवीज ही ठीक लगे, बस सलार का फर्स्ट हाफ वॉज वेरी बोरिंग एंड क्रिंज, दैट्स माय ओपिनियन। उसी तरह आपके भी ओपिनियन है, व्हिच इज टोटली फाइन, बट जब ऐसे इलॉजिकल बातें बोलते हो कि प्रभास इज ए बेटर एक्टर देन SRK, तब हंसी आ जाती है एंड रिप्लाई देने का मन करता है। आई विश डंकी के जगह पे जवान रिलीज होती एंड जवान के टाइम पे डंकी, तब एक्चुअल क्लैश क्या होता है पता चल जाता। अभी मसाला एक्शन मूवीज का ही क्रेज चल रहा है, जिसके वजह से गदर 2 जैसी बिलो एवरेज मूवी भी ब्लॉकबस्टर बन गई। सेम जॉनर के मूवी के साथ टक्कर करो ना बॉस, तभी तो मजा आता है देखने में। मुझे पर्सनली प्रभास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदिपुरुष वाज ऑल टाइम डिजास्टर बट सलार वाज फार फार बेटर। लेकिन ये जो आजकल के बच्चे कुछ भी बोलने लग जाते हैं ना, तब रिप्लाई तो बनता है। खुश हो जाओ, डंकी 1000 करो तो नहीं कमा पाएगी, हैट्रिक नहीं होगा, बट डंकी फ्लॉप नहीं है, मिनिमम सुपरहिट का टैग लेकर रहेगी, ये लिख के ले लो। फ्लॉप बोलने से पहले कम से कम बजट तो देख लो। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक डंकी वर्ल्ड वाइड 340 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, और आज ही मैं सेकंड टाइम डंकी देखने गया था और आप खुद ही देख सकते हो कितने लोग हैं। ये कॉर्पोरेट बुकिंग बोलने वालों के लिए जवाब है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे डंकी सेकंड टाइम ज्यादा पसंद आई। उधर सलार का मुझे पता नहीं क्योंकि मेकर्स कुछ भी रिवील नहीं कर रहे, कभी 700 करोड़, कभी 500 करोड़, बट फर्स्ट डे का कलेक्शन पोस्ट किया था मेकर्स ने 171 करोड़ ऑन फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड, बट कुछ टाइम बाद ही उन्होंने रिमूव कर दिया। अब कोई नहीं बोलेगा फेक कलेक्शन ये सब की बातें, ये तो सिर्फ शाहरुख खान करता है। शाहरुख खान की मूवीज कलेक्शन करे तो कॉर्पोरेट बुकिंग, अगर नहीं करे तो कॉर्पोरेट बुकिंग का पर्दाफाश हो चुका है, ऑडियंस ही एक्चुअल जज है। इतना ज्यादा हिप्रोक्रेसी, यहाँ तक सेम बैनर की मूवीज जैसे पठान और टाइगर 3 में पठान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही और टाइगर 3 एवरेज रही, इसमें भी लोग पठान के कलेक्शन को फेक और टाइगर 3 को जेन्युइन बोल रहे हैं। सलमान भाई कॉर्पोरेट बुकिंग जो नहीं करते, ओ इतने क्यूट हो, इसी से पता चल जाती है कितना दिमाग लगाते हो। अब और ज्यादा इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, सिंपल बात है कि डंकी सबके लिए नहीं है। हाँ, डंकी मास्टरपीस नहीं है, बट डिजास्टर तो बिल्कुल नहीं है। अगर सच में तुमने मूवी देख लिया और देखने के बाद डंकी 2 में डिजास्टर बोरिंग लगी, देन भाई तुम बीमार हो। अब से बस ओवर द टॉप एक्शन मसाला मूवीज ही देखने जाना, ऐसे मूवीज ही तुम्हें सूट करती है, डंकी जैसी मूवी देखने मत जाना। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अननेसेसरी हेट फैला रहे हैं। अब हेट फैलाने की बात हो और प्रतीक बोराडे का नाम ना आए, कैसे हो सकता है? इनका तो हमेशा अलग ही चलता है। जहां लोग सलार वर्सेस डंकी कर रहे थे, वहां उन्हें डंकी प्रोपेगेंडा मूवी लगी, और शायद सलार भी। वो वीडियो मैंने नहीं देखा, बस थंबनेल से बता रहा हूँ। इलीगल इमिग्रेशन को ग्लोरीफाई कर रही है डंकी, सुसाइड को रोमांटिसाइज कर रही है। ये पता नहीं रोमांटिसाइज क्या है भाई, 3 इडियट्स में भी सुसाइड को रोमांटिसाइज किया गया है इनके हिसाब से। अब ये तो प्रतीक बोराडे ही देख सकते हैं, हमारे आंखों पे तो पर्दा लगा हुआ है। ये बंदा इतना हेट फैलाता है बॉलीवुड के नाम पर, फिर भी यूट्यूब उसी को रीच देती है, पैसे बॉलीवुड के नाम से ही कमा रहा है। इधर मैं अगर जेन्युइन रिव्यू भी दूं, उसके पॉइंट्स को लॉजिकली काउंटर भी करूं, फिर भी मुझे रीच नहीं मिलती। हार्डली 200-300 लोग वीडियो देखेंगे, तो क्या फायदा रिप्लाई करने का? बस ये समझ लो अपने मन की शांति के लिए। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है मैं वन साइडेड बॉलीवुड सपोर्टर हूँ, प्रतीक बोराडे की हर बात से मुझे प्रॉब्लम है, तो नहीं। सैम बहादुर के टाइम मैंने भी ये पॉइंट आउट किया था कि सब कुछ सच नहीं दिखाया गया है सैम मानेकशॉ जी के बारे में, अगर बायोग्राफी है देन सब कुछ सामने आना चाहिए। टाइगर 3 के टाइम पे भी मैंने बोला था कि पाकिस्तान को लेकर थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर आती है एनिमल, जो मुझे एज ए मूवी अच्छी लगी, आइडियोलॉजी फिलोसफी ये सब साइड में रखा जाए तो, पर उसके लिए तो हमारे प्रतीक बोराडे है ही, जो मूवी के आइडियोलॉजी फिलोसफी एकदम जड़ से निकाल के लाते हैं। तो डेफिनेटली एनिमल को तो कच्चा छपा गए होंगे प्रतीक बोराडे। अब कहां से शुरुआत करूं क्योंकि इतना कुछ क्या कहूं मैं। सबसे पहले तो भाई संदीप रेड्डी वेंगा, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये फिल्म के एंडिंग में आपने क्या दिखा दिया,
क्या था वो, अब मैं वेट कैसे कर पाऊंगा एनिमल पार्क का। अरे भाई ये क्या देख लिया, मतलब ऐसा कैसे, ये लॉजिक तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। जवान पठान डंकी एनिमल सभी फिक्शनल मूवी है, फिक्शनल कैरेक्टर्स है। जवान पठान डंकी से प्रोपेगेंडा फैल रही है, सोसाइटी के ऊपर बुरा इफेक्ट हो रहा है, और एनिमल से तो देश के युवा मोटिवेशन ले रहे हैं। लड़की को कैसे ट्रीट करे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, स्कूल में बंदूक ले जाना, बीवी को काबू में रखना चाहिए, फैमिली के सामने किस करना, ये सबसे क्या ही फर्क पड़ता है। मूवी बहुत अच्छी है क्योंकि स्वास्तिक सिंबल के मीनिंग को क्लेरिफाई कर दिया है, नाजी सिंबल नहीं है वो, बस हो गया, और क्या चाहिए। उस स्वास्तिक का चिन्ह ट्रेलर में दिखाया है, ये ऐसा उन्होंने क्या दिखाया, क्या हो सकता है इस पर आप बताइए कुछ। और बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स भी आए थे पिछले एक हफ्ते में, पर मैंने अभी तक भी उस पर बात नहीं की थी, और हर बार मैंने यही उत्तर दिया था कि पहले फिल्म रिलीज होने दीजिए, फिल्म रिलीज होने के बाद ही मैं इस पर कुछ चर्चा करूंगा, बात करूंगा। पहले मूवीज देख लो, उसके बाद बात करने का फिलोसोफी तो शाहरुख खान के मूवीज के लिए अलाउ नहीं होती होगी ना। प्रॉब्लम तो बेशम रंग जैसी सॉन्ग में है, वोट करने से पहले सवाल पूछो, अपना देश तो अपना होता है, ये सब बातें बहुत निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है यार। टॉक्सिक फेमिनिज्म वाले मूवीज को रोज करो, बट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले मूवीज को सपोर्ट करो। वैसे फोर मोर शॉट्स, विरेदी वेडिंग, ये सब मूवीज को सपोर्ट भी किसने किया है भाई, मैंने तो नहीं देखा। हाँ प्रतीक बुरादेव सोते जागते एक अलग बॉलीवुड की दुनिया इमेजिन करते हैं, वहीं पे देखा होगा। एनिमल तो मुझे ठीक ठाक एंटरटेनिंग मूवी लगी थी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मूवी को मूवी की तरह ही देखो। लेकिन प्रतीक बुरादेव, आप अगर बाकी बॉलीवुड मूवीज को मूवीज की तरह नहीं देख सकते, स्पेशली शाहरुख खान के मूवीज को, देन एनिमल को इतना नॉर्मलाइज कैसे कर दिया। नॉर्मलाइज तो छोड़ दो, इसको डिफेंड भी करने लग गए जब ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया अगेंस्ट एनिमल। आपके स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक देख के मैं इतना ही कहूंगा, मिसेस प्रतीक बुरादे, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। वैसे इतना शौक होने वाली बात नहीं है, जो आसाराम जैसे ढोंगी बाबा का भक्त हो उससे और क्या ही उम्मीद किया जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पुलिस, लॉ, इन सब को लेकर प्रतीक जी बहुत प्रोटेक्टिव है। मूवीज में अगर थोड़ा भी करप्शन दिखा दिया जाए तो उन्हें तो आग लग जाती है। जब बात आसाराम बापू के केस की आती है, तब भाड़ में गई गवर्नमेंट, भाड़ में गया कानून, हाई कोर्ट का डिसीजन, सब कुछ भाड़ में गया। वो निर्दोष है, संत है, बस हो गया जस्टिस। सिर्फ एक बंदा काफी है, जो मूवी आई थी मनोज बाजपेयी की, जो इनडायरेक्टली आसाराम बापू के ऊपर ही बनाई गई थी, उसका रिव्यू करने की हिम्मत नहीं कर सके प्रतीक जी। कैसे करे, इतना सच झेलना आसान बात थोड़ी है। आर माधवन की रॉकेटरी में एसआरके ने एक स्मॉल बट काफी इम्पैक्टफुल रोल किया था विदाउट एनी फीस, जिसके बारे में आर माधवन ने काफी इंटरव्यूज में तारीफ किया था। बट प्रतीक बुरादे इज लाइक, कुछ भी कर लो, मेरे सामने एसआरके की तारीफ मत करना, मैं गू खा लूंगा बट ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वेल डन मिस्टर प्रतीक बुरादे, आप जीत गए हो। मैं तो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, बट काफी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और आपके कम्युनिटी पोस्ट में ऐसे डिस्कशन चल रहे हैं। वाह, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नहीं, मूवीज जाए भाड़ में यार, ये सब पे ध्यान दो। हर साल एसआर के गणेश चतुर्थी मनाते हैं घर पे, मुस्लिम कम्युनिटी से इतनी गालियां पड़ती है उनके पोस्ट पर फिर भी वो बंदा नहीं रुकता है। फिल्म रिलीज नहीं होने से भी वो गणेश चतुर्थी मनाते हैं हर साल, क्योंकि वो इक्वली हिंदू धर्म को भी रेस्पेक्ट करते हैं। बाकी फिल्मों के टाइम मंदिर पे जाने को तो लोग शो ऑफ का टैग लगा ही देते हैं। नहीं भाई, सही है सब, प्रतीक बुरादे भी सही है, इसलिए इतने सब्सक्राइबर्स है, यूट्यूब रीच भी देता है। और मुझे देखो, वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता 200-300 लोग जितने भी देखे, ये इस साल का लास्ट वीडियो है, एंड इसी के साथ मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। नया साल पॉजिटिव टोन के साथ स्टार्ट करना है, मूवी को मूवी की तरह ही देखना है। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हो देन सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, वरना गाली देके अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट जब अननेसेसरी इलॉजिकल बातें सामने आएगी तब रिप्लाई वीडियो जरूर आएगा। काफी कुछ प्लानिंग है इस साल को लेकर, होपफुली जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उन्हें और अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है तभी लाइक करना, वरना मत करना। तो हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद, जय भारत।